जो होली का अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसकी प्राइस अभी वेपनसरी जितने भी आप देख रहे हैं उनके प्राइस मिनिमम रहने वाला है, ज्यादा कोई कॉस्टली नहीं रहेगा। और जो गिव अवे गिफ्ट करते हैं, जो हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियो को शेयर करते हैं अपने भाइयों में और हमें दिखाते हैं कि अजय भाई देखो हमने इतना शेयर कर दिया, तो उन पर भी फोकस रहता है। जैन थ्री जो जिसने पीएक्स को चला लिया पहले से वो मुझे पता है, जिसने पीएक्स को चलाया है वो अगली बार पीएक्स नहीं मांगेगा, अगली बार डायना मांगेगा। इस राइफल में वो खासियत है ये लॉक व्यवस्था में ये फायर नहीं होगा, अब ये यहाँ पे फायर के लिए रेडी हो जाता है। हमारे पास इन सभी गन्स को बेचने के लिए लाइसेंस है, कोई भी भाई ऐसी वीडियो घर पे ना बनाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब भाई अच्छे हैं। स्वागत है आपका एलपी सिलिकॉन हाउस में, और आज हम सभी गन के बारे में बताएंगे जो कि कुछ जो भी त्योहार वगैरह आते हैं उनके अपने भाइयों को डिस्काउंट देते हैं और गिव गिफ्ट फ्री भेज देते हैं, उनका गिव गिफ्ट का कोई चार्ज नहीं लगता। और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके के हम क्या वेपन के यह वीडियो रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे सबसे शुरू में, ये हमारे पास सभी पैलेट इंपोर्टेड है जो कि इंडिया से बाहर के आते हैं, आपको पता है फॉरेन कंट्री के हैं। हर भाई को कोई भी पैलेट पसंद नहीं आता, तो अलग अलग एक्यूरेसी हर गन के साथ मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपोलो डोम का स्टॉक लगा हुआ है, तो इस तरीके से हमारे पास पैलेट है जो इंडिया में सोल्ड हो चुका है, जिसे पता है आपको कि हॉर्नेट अभी कहीं नहीं मिल पा रहा है, हॉर्नेट आपके दोस्त के पास में आ चुका है, जो भाई परचेज कर सकता है तो कर लेना। और शुरुआत करेंगे केमिस्टार की पीसीबी स्टार X3, इसका बोल्ट कुछ इस तरीके से फायर करता है, और सिर्फ फिलो इसका लेफ्ट की ओर अनलॉक और फायर के लिए। साथ में PS100 गैगो कलर का जो कि स्टार, हाँ सॉरी PS100 X3 क्लासिक और उसका फायर साइलेंट मोड इस तरीके से काम करेगा। जो भाई लेगा उसको पूरा कॉम्बो ऑफर देंगे, स्कोप तक लगाएंगे डिस्कवरी का और फिर पंप AGH का कंपनी का फॉरेस्ट टेप का, और इसमें ये कलर भी आता है। PX100 X2 आ चुका है, X1 अब बहुत कम है, X2 की ज्यादा डिमांड है। तो इसके बोल्ट को लोड करते हैं फायर के लिए, सेफ्टी लॉक अनलॉक करके ये कुछ निशाना इस तरीके से टारगेट करेगा और ये फायर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साउंड। NX200 जो कि ब्लैक RF के नाम से जाना जाता है, हर एयरगन की हम उसमें खासियत बताएंगे। NX200 एथीना ये देखने में कुछ ऐसा होता है, और ये RF है, RF क्यों है, RF का क्या काम होता है, कुछ NX200 ये ब्लैक RF के नाम से है, इसपे जंग नहीं लगता बारिश की बूंदों से, आप चाहे कैसे इसे यूज करो ये फुल गारंटी में है, इसपे कोई जंग नहीं लगता, और ये इसे ब्लैक RF के नाम से जानते हैं। स्कोप लगा के भी इसका पूरा सेट आप ले सकते हैं, उसमें डिस्काउंट मिलेगा, बिना स्कोप के लोगे तो थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस का रहने वाला है, सेफ्टी लोग उसके आगे की ओर होता है।
अब ये लॉक व्यवस्था में ये फायर नहीं होगा, अब ये यहाँ पे फायर के लिए रेडी हो जाता है। इसमें दूसरा कलर भी आता है, उस ब्लैक अरब के थोड़े से प्राइस ऊपर है, करीबन 1500 एक्स्ट्रा है उसके, और इसके 1500 एक्स्ट्रा नहीं है, ये सिर्फ लॉस्ट में सेम वही क्वालिटी, वही सेफ्टी लॉक, वही पूरी बॉडी फुल ब्लैक, ओनली आरएफ नहीं है। ये जंग बीस पे लग सकता है अगर आप इसे बारिश की बूंदों से नहीं बचाओगे तो। बात करते हैं आर्मर मॉडल एक्सट्रीम, जो कि डीलक्स किट के साथ ये प्रोवाइड होता है अपने भाइयों को, और डीलक्स नॉन डीलक्स में क्या अंतर होता है, जो नॉन डीलक्स होता है उसमें ये चीक रेस्ट हट जाता है, और ऊपर की जो ग्रिप होती है आपके यहाँ पे जब इसे चीक रेस्ट पे लगाते हैं ऐसे, तो हट जा वो नहीं आता था, ये भी आपको मिलेगा। इसमें 20mm की रेल होती है, जहाँ इसे आप उतार के स्कोप भी लगा सकते हैं, और आगे से फ्रंट साइड इसका ऐसा होता है, एम साइड इस तरीके से होता है, और जो उसकी रेल होती है पूरा ग्रिप सिस्टम इस तरीके से, इसके पकड़ने का लुक एक अलग ही होता है इस तरीके से, ये पूरा अपने टारगेट को एकदम एम बना लेता है। इसमें बेल्ट वेल्ट लग के स्कोप लगा के नया लुक बन जाएगा। ये आती है आर्मर टोर्नेडो, ये आर्मर का ये अभी टॉप मॉडल चल रहा है, और ये 0.177 कैलिबर में है, नॉन लाइसेंस रिक्वायर्ड, और इसकी पावर ज्यादा इतनी है, जिन भाई को मैंने भेजा वो कह रहे हैं सच में इसकी लाजवाब पावर है, जैसे इसका रिक्वायर इतना होता है जैसे 315 की राइफल की आपका चक्का देती है। ये मिल जाएगा लोएस्ट प्राइस में भी, जो होली का अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसकी प्राइस सभी वेपन सीरीज जितने भी आप देख रहे हैं उनके प्राइस मिनिमम रहने वाले हैं, ज्यादा कोई कॉस्टली नहीं रहेगा। और जो गिव अवे गिफ्ट करते हैं, जो हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियो को शेयर करते हैं अपने भाइयों में, और हमें दिखाते हैं कि अजय भाई देखो हमने इतना शेयर कर दिया, तो उन पर भी फोकस रहता है। और जो गिफ्ट वगैरह देते हैं डिस्प्ले पे चल जाएंगे आने अगली नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके के हम गिफ्ट किने किने देते हैं। बात करें आर्मर 350 मैग्नम की लाइट वेट ब्रेक बैरल, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नॉन सेफ्टी, सेफ्टी लॉक का कोई फीचर नहीं, सिर्फ पूरा वही है ऑटोमेटिक, और पूरा साउंड कोर का लगा के। इसका वजन थोड़ा सा मुझे हल्का सा लाइट में लगा है, जैसे होता है स्कोप लगा के भी आप ले सकते हो, उसका डिस्काउंट ऑफर हम आपको दे देंगे। पास से भी दिखाऊंगा एक बार आपको सभी राइफलें। डिस्काउंट ऑफर का पूरा मजा लो, जो भाई हमें कमेंट इंस्टा हर चीज पे फॉलो करता है उसके गिव अवे गिफ्ट अलग हो जाएंगे। इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब, आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल से इससे लेकर इंस्टाग्राम फेसबुक की छोटी मोटी रील अपलोड करते हैं। स्कोप वगैरह मिल जाएंगे डिस्कवरी 3940, जो भाई जिस कैटेगरी में जो हमसे पहले सामान परचेज कर चुका है हमें पता है उनके पास क्या कौन सी राइफलें हैं या कौन सी एयर गन है या रियल की फायरआर्म से, हम उनके लिए छोटे मोटे गिफ्ट करा देते हैं। सपोज दैट किसी मेरे दोस्त के पास जो हमारे से पहले सामान परचेज कर चुका है उसके पास 12 बोर की गन है 12 बोर की, तो आप सोच सकते हैं तो हम 12 बोर के कार्टेज नहीं गिफ्ट करेंगे, हम उसे सिर्फ ओनली सेलिंग गाड़ी या उसका गन कवर गिफ्ट करा देते हैं ऐसी चीजों के लिए। जैसे कोई दोस्त कहेगा भाई अजय भाई मेरे पास तो 12 बोर की बंदूक थी और मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, तो उसके लिए गन कवर वगैरह फ्री कराएंगे। कुछ गने ऊपर रखी है इसमें दिखाऊंगा आपको अभी मेरा, चलो मैं तो लगा के दिखा देता हूं। ये HDB नाइट्रो है और इसकी पावर सबसे ऊपर है, और ये इसके सामने NX भी नहीं टिक सकता, मैं खुला दावे के साथ बोल सकता हूँ इसकी पावर कुछ ज्यादा यूनिक है। इसमें सेफ्टी लॉक का भी अलग फीचर दिया हुआ है, और स्कोप लगाने के लिए इसमें 3 स्टॉपर जो आपकी जो माउंट के नीचे पिन होती है इनमें कोई से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और एक ये लाइट वेट इतना नहीं है, सिर्फ पूरा स्पेशल वुडन स्टॉक है, कोई सिंथेटिक कोई फाइबर नहीं है। फ्रंट साइड रियर साइड की सहायता से आप इसका निशाना लगा सकते हैं, ओनली लोएस्ट प्राइस में दे देंगे। ये भी स्टॉक में आ चुका है। अब जैसे कोई भाई कंफ्यूज होता है आर्मर NX HDB क्या चला है, हर राइफल की पावर
थोड़ी सी इन दोनों से ऊपर होती है इसकी और बाकी वेलोसिटी तो बराबर। आर्म अंडर टॉय पिस्टल जो कहते हैं भाई हमारे बच्चे को शूटिंग के लिए कुछ ऐसा दे दो तो ऐसा ये मिल जाता है। सिंगल शॉट पूरा लाजवाब। इसमें आगे साउंड कोर्क लग जाता है, जो सोचते हैं छोटा वेपन लेने के बावजूद इसमें साउंड कोर्क लगाने के बाद ये धमाका कुछ एक अलग ही डेंजरस रूप ले लेता है। जो रियल के फायर आर्म आवाज करते हैं जितना उतना ही इसका साउंड रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। बात करें डायनास्टॉर्म राइडर जेन 3 जो जिसने PX को चला लिया पहले से, वो मुझे पता है जिसने PX को चलाया है वो अगली बार PX नहीं मांगेगा, अगली बार डायना मांगेगा। इस राइफल में वो खासियत है ये जिस भाई के हाथ में हो या ना हो पर ये अलग फील करा देता है अपनी इच्छा अनुसार दूसरों को। जो ये पक्की बात है जिसके पास PX 1 month या 2 month के आसपास में हो चुकी है वो डायनास्टॉर्म राइडर की सोचेगा पक्का। डेफिनेटली इसका बोल्ट ऐसा जैसे रियल का और जैसे इसकी आपको मैं इसकी एक आवाज जरूर सुनाऊंगा, उम्मीद है आपको आए। सेफ्टी लॉक अनलॉक करेंगे, साइलेंट मोड चलेगा, आपको फील ऐसा होगा जिसके इसके अंदर पावर ना होगा। गलत, रेगुलेटेड है। एयर का इसका मीटर यहां पे दिखा रखा है, सारी चीज ये देख सकते हैं। जो इससे पहले स्टॉर्म राइडर जैन 2 आता था और जैन 3 में क्या डिफरेंट है, जैन 2 में उसका जो ये वाला मीटर जो एयर का दिखाता है वो यहां होता था। जैन 3 की पहचान इसके ठीक सामने से, उसकी पावर हकीकत में कह रहा हूं पावर को छोड़ो, इसकी गोली जब ट्रेवल करती है आप करीबन 70-80 meters किसी बोतल को रखोगे ना ऐसी वाली को भी गोली सेंटर पे लगेगी। आप सोच रहे हैं कि इसमें और इंडियन मेड की राइफलों में क्या अंतर होता है, ओनली ग्रुप जो गोली इसके बैरल के अंदर से जाके ट्रेवल करती है उस ग्रुप का ही सारा खेल होता है टारगेट पे गोली लगाने का। उम्मीद है जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि वेपन सीरीज के बहुत जितने भी छोटे छोटे पॉइंट होंगे जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं कौन सा पैलेट चलाना है कौन सा नहीं वो हम डाउट दूर करा देते हैं। इसकी वो खासियत है जिस भाई के पास PX है वो PX लेने के बावजूद 1-2-3 महीने के बाद तो इसका पक्का मूड बनाएगा, ले सकते हैं। कॉम्बो ऑफर डिस्कवरी का 416-42 अभी डिस्प्ले पे चल रहा होगा और इसका पूरा सबसेट हम क्या देंगे क्या नहीं और इसका फुल कॉम्बो हम डिस्प्ले के माध्यम से दिखा रहे होंगे। इस तरीके से आपको ये अस्ट्रोम राइडर जयंती भी आपको मिलेगा। बात करें PX 120 मॉनिटर, ये एक ऐसी राइफल है इससे पहले जितने भी प्रेसिव होल की राइफलें आती थी उनमें सेफ्टी लॉक कुछ ऐसा दिया था, इधर से भी ऐसा ही था और दूसरी साइड से भी ऐसा है। और उसमें क्या होता था कस्टमर को जैसे राइफल कैरी करके ले जाते हैं कुछ भी कहीं भी अपनी आवश्यकता अनुसार शूटिंग में उतारते थे तो उनका ये सेफ्टी लॉक खो जाता था, फिर कहते हैं इसकी बड़ी समस्या है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसको रूप दिया है, यहाँ पे इसमें एक लॉक का सेफ्टी दे दिया है, ये कभी खो नहीं सकता जब तक आपके पास राइफल है। पावर की बात है, पावर वेलोसिटी सबसे तगड़ी है, इनकी जो बैरल के ग्रुप है सबसे तगड़े ग्रुप है, गोली के ऊपर गोली मारेंगे। जो भाई पैसा लगा रहे हैं जिस राइफलों में ये वीडियो देखे और पूरा संतुष्ट रहे, दावे के साथ कह सकता हूं आप करीबन 50-60-70 meters तक की ग्रुपिंग इससे बना लोगे, एक क्वाइन जितने इसकी ग्रुप मिल जाएगा मुझे पक्का पता है। इसकी ग्रुप कभी लहरते नहीं है, जो ग्रुपिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं जो ग्रुपिंग सिस्टम वो होते हैं जैसे आप गोली मार रहे हैं आपने कोई व्हाइट पेपर ले लिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे आपने कोई व्हाइट पेपर ले लिया यहाँ पे गोल सर्कल बना रहे आप गोली मार रहे हैं तो उस गोलधारे में लगने चाहिए सारे गोली, अगर एक गोली यहाँ लगी दूसरी गोलधारे से बात तो इसकी राइफल का ग्रुप खराब होंगे। 120 इस तरीके से दिखा, इसके बाद की शूटिंग की रिव्यू मैंने डाल रखे। जो भाई CO2 में डील करता है मतलब बड़े वेपन से क्या नहीं करता, स्मॉल वेपन की जरूरत कर रहे हैं जैसे कुछ तरीके से ऐसे होते हैं जैसे CO2 आते हैं ये रिपेयरिंग के लिए आ रखते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं और ये इनका लाइट वेट नहीं होता जितना रियल के फायर आर्म्स में होता है उतना ही होता है, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होते। ये जितने भी इस एलिसेगन हाउस के अंदर जो वेपन दिख रहे हैं आपको टोटल इनके लिए कोई लाइसेंस नहीं है और सबसे बड़ी खासियत
आचार संहिता लगने के बावजूद जो इलेक्शन वगैरह आते हैं गवर्नमेंट रियल के फायरआर्म्स को अपनी कस्टडी में रख लेते हैं, तो ये वाले आपके पास बच जाते हैं, ये कभी जमा नहीं होंगे। कोई प्रशासन इन पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा अगर आप शूटिंग की पर्पज से परचेज कर रहे हैं और अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए आप इनको मैदान में उतार रहे हो। कोई नुकसान नहीं करना चाहिए, कोई एक्सीडेंट का सामना नहीं होना चाहिए। आपको ये वेपन आपके पास ही रहेंगे, कोई बंदा नहीं ले जाएगा, कोई सरकार कोई प्रशासन इनको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ये रियल के फायरआर्म्स में नहीं आते। कुछ एक्सेसरीज की बात करें, ऐसी टॉर्च वोर्च मिल जाएगी, ये मतलब स्कोप में लग जाएगा, इसके पूरा माउंट आ जाएगा। जैसे आप मेरे एक दो दिन पहले की वीडियो देख रहे हैं, स्कोप में टॉर्च का भी जुगाड़ और लेजर लाइट का भी जुगाड़ सारे चीज का हो जाता है। छोटी छोटी उसकी बात करें लेजर की, जैसे बात कर रहे हैं ये लेजर भी मिल जाएगी, पास से देखेंगे कि क्या चीज ऐसा लेजर में, ये है वो लेजर, इसमें माउंट लगे हुए हैं, ये पूरा आपके रेलिंग पे लग जाएगा जो उसमें राइफल के साथ मिलती है, चाहे 11 की चाहे 12 की, दोनों पे लग जाएगा। बात करें जिस भाइयों के पास CO2 पिस्टल है या CO2 की कोई भी एयरगन वगैरह रखता है और कहेगा कि सिलेंडर दे दो हमें, हमारे पास आपके पास सिलेंडर मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, ऐसे कुछ प्रकार से मिल जाएंगे। स्पेशली ये वीडियो में होली से पहले इसलिए रिलीज कर रहा हूं क्योंकि होली का भी डिस्काउंट ऑफर शुरू ही हो चुका है, और जो अपने दोस्त हैं और जो हमसे पहले से जुड़े हैं, जो हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं, हमें उनके लिस्टिंग का पता लग जाता है, हम उन्हीं के अनुसार उस कंडीशन में गिफ्ट प्रोवाइड कराएंगे। जो मेरी इस वीडियो में सबसे ज्यादा शेयर करेगा इंस्टा पे या फेसबुक पे कोई भी है तो उसका हमें अलग ही पता लग जाता है, हम उनको गिफ्ट करते रहते हैं। कोई भी बंदा मुझे कमेंट करके है ना बोले कि भाई हमको भी गिफ्ट दे दो, कोई जैसा बाकी आपका मन लगे, इस तरीके से होता है। बात करें स्मॉल रेड डॉट की, रेड डॉट आते हैं, जैसे कोई भाई हमें हमसे क्वेश्चन करते हैं कि जी भाई रेड डॉट आपकी ऑफिस पे कितने का दे रहे हैं, हम उनको उनकी प्राइस अलग अलग बताते हैं, आप कहेंगे कि यार आपको ज्यादा कॉस्टली दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं, रेड डॉट का सिर्फ नाम रेड डॉट है, रेड डॉट में क्वालिटी अलग अलग हो जाती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह की क्वालिटी क्या रहने वाली है, इसको ओपन तो नहीं कर रहा मैं, इसको दिखा रहा हूँ सिंबल, ये रेड डॉट है, एक ऐसा होता है जैसे आपने इसका पैटर्न देखा, इसको दिखाई देते हैं, आप ऐसे नहीं समझोगे कि क्या चीज कह रहा हूं, दिखा भाई, ये भी रेड डॉट है, इसमें बिंदी का पैटर्न है, और दूसरा मेरे पास में ये भी रेड डॉट है, इसके सिस्टम से जमीन आसमान का मैच खाता है, ये भी रेड डॉट है और ये भी रेड डॉट है, तो क्या लगता है कि दोनों बराबर प्राइस में, नहीं दोनों बराबर प्राइस में नहीं, सिर्फ ओनली प्राइस का डिफरेंट रहने वाला है, ये स्पेशल ओरिजिनल रेड डॉट होता है, इसका कभी इंसान अहमता नहीं है, इसमें करीबन मेरे हिसाब से चला गया, इसमें करीबन 4-5 प्रकार के इसके पैटर्न मिल जाते हैं, जितना अगर आपको ये दिख रहा होगा ये वाला, ये जितने इसके अंदर के पैटर्न दिख रहे हैं ये सभी इसके अंदर मिलेंगे, इस वाले के अंदर मिल जाएंगे, और इसमें सिर्फ 2 लाइट का प्रयोग होगा, ग्रीन और रेड, ये भी रेड डॉट, आप अंदाजा लगा सकते हो कि रेड डॉट की क्वालिटी और प्राइस अलग अलग रहते हैं, इसी तरीके से रहते हैं वो, यही जो मेन रीजन है इनका, यही है सभी में, और स्कोप मिल जाएंगे ईगल से लेके अगर, और जो भाई का बजट कम से कम सिर्फ लोएस्ट प्राइस में है, बहुत ही कम है, क्योंकि यह वीडियो हर भाइयों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम पास से जरूर दिखाएंगे, और जिनका बजट बहुत ही कम है, जो अपने किसान भाई हो कहेंगे कि अरे भाई हमारा इससे ज्यादा ऊपर का 10,000 से नीचे नीचे की गन अभी ले दो, 10,000 से नीचे नीचे की गन, ये रहे जितनी भी इस डिस्प्ले में देख रहे हैं सभी 10,000 से नीचे की गन है, प्राइस में डायरेक्ट ओपन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, आप आके ले सकते हो या हमें अपना एड्रेस दो, व्हाट्सएप पे फोटो कॉपी दो, आधार कार्ड की, हम इसे रिलीज कर देंगे, अपना भाई किसी भी लोकेशन वहीं तक पहुंच जाएगा। उम्मीद है ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और क्या कहते हैं हमारे जो विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड इस तरीके से है, और ये वाले इस तरीके के हैं विजिटिंग कार्ड, आपको मिल जाएंगे, स्कैन करके आप हमारे जितने भी यूट्यूब आईडी इंस्टा से लेकर सारी चीज तक फॉरवर्ड हो जाता है, अपने भाइयों को देते हैं, नंबर जो डिस्प्ले पे शुरू में आपने देखे, जो लास्ट में भी देख रहे हैं वही नंबर हमारे, उनसे अलग हमारे को कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, बुक कर सकते हैं, वो भाई जो माइंड में क्वेश्चन रखते हैं कभी फ्रॉड ना जाए, अब एक बात सोचो इतनी बड़ी आपके आशीर्वाद से हमने एलवी से रखा उसको बोला है क्या फ्रॉड करने में थोड़ा खोला है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और कौन सी गन आपको सबसे बेटर लगी मैं चाहूंगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, एयर पिस्टल से लेके ये भी मिल जाता है हमारे पास, नहीं ये सबसे छोटा ब्रांडेड होता है जी, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं जी ब्रांडेड होता है ना काम का, ऐसे भी मिल जाते हैं एयर गन से, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टास्क के साथ नए टॉपिक के साथ, और लेते हैं अलविदा सभी दोस्तों को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके एवरीवन।